नमस्ते दोस्तों, अभी हम बात करेंगे मैकेनिकल ऑपरेशंस का जो एक प्रैक्टिकल है, स्क्रीन एनालिसिस। तो स्क्रीन एनालिसिस नाम से ही आपको पता चलेगा कि यहाँ पे स्क्रीनिंग ऑपरेशन है। तो स्क्रीनिंग ऑपरेशन किस लिए यूज होता है? तो जहां पर आपको सॉलिड सॉलिड पार्टिकल अगर आपको सेपरेट करना है पार्टिकल साइज के बेसिस पे, जैसे सॉलिड सॉलिड सेपरेशन मैग्नेटिक सेपरेशन बेसिस पे भी हो सकता है या फिर फ्रोथ फ्लोटेशन बेसिस पे भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो प्रिंसिपल हम यूज कर रहे हैं वहां पे है बेसिक पार्टिकल साइज, यानी कि कोई पार्टिकल्स लार्ज साइज होंगे, कोई मिडल साइज होंगे या कोई स्मॉल साइज होंगे। तो अलग अलग पार्टिकल साइज के अगर सॉलिड का मिक्सचर होता है आपके पास, तो वहां पे अगर आपको पार्टिकल साइज के बेसिस पे सॉलिड सॉलिड सेपरेशन करना है तो आपको स्क्रीनिंग करना पड़ेगा। तो ये जो स्क्रीनिंग ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन जो इक्विपमेंट पे यूज होता है उसको स्क्रीन एनालाइजर भी कहते हैं, या फिर उसको वाइब्रेटिंग स्क्रीन भी कहते हैं, या फिर सिव शेकर भी कहते हैं। तो ये अलग अलग नाम इसलिए है क्योंकि हम जो सेपरेशन करने के लिए, जो स्क्रीनिंग करने के लिए आपको जो मूवमेंट करना पड़ता है उसके लिए हम वाइब्रेशन एनर्जी यूज कर रहे हैं, और ये वाइब्रेशन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इसीलिए इसको वाइब्रेटिंग स्क्रीन कहते हैं। इसके अलावा जो स्क्रीन है वो स्क्रीन उसको हम सीव कहते हैं। तो ये जो सीव्स है यानी कि जो स्क्रीन्स है, ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में रखा जाता है और उसके बाद में उसको शेकिंग किया जाता है, और ये वाइब्रेशन एनर्जी या शेकिंग मैकेनिज्म है इसीलिए भी उसको सीव शेकर भी कहते हैं। तो ये जो सीव्स है यानी कि स्क्रीन्स है उसको शेकिंग करना या फिर वाइब्रेशंस देना, ये मैकेनिकली भी आप कर सकते हैं, मैन्युअली भी कर सकते हैं, या ऑटोमेशन बेसिस पे भी आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको स्प्रिंग मैकेनिज्म और मैकेनिकल मूवमेंट यूज करना है, और उसके बाद में जो भी आपका सॉलिड सॉलिड मिक्सचर है अलग अलग पार्टिकल साइज का वो आप सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो नॉर्मली स्क्रीन सभी को मालूम है, जैसे स्क्रीन में मेश होता है यानी कि एक पर्टिकुलर ऐसा होल होगा जिसके अंडर से पार्टिकल पास हो सकता है। तो जो पार्टिकल्स वो स्क्रीन से पास होंगे उसको हम कहेंगे अंडर साइज पार्टिकल, यानी कि जो भी साइज ऑफ मेश होगी वो मेश थ्रू अगर पास होता है या मेश से कम साइज का पार्टिकल है इसीलिए हम उसको कहेंगे अंडर साइज पार्टिकल, यानी कि वो पार्टिकल जो है वो मेश थ्रू पास होगा। और जो पार्टिकल साइज मेश से ज्यादा है उसको हम कहेंगे ओवर साइज पार्टिकल, तो वो मेश थ्रू पास नहीं होगा। तो जो भी स्क्रीन वहां पे आप यूटिलाइज करेंगे तो अलग अलग माइक्रॉन साइज में या मिलीमीटर साइज में स्क्रीन्स होती है, तो जो भी माइक्रॉन्स आप यूज करते हैं, समझो 500 माइक्रॉन्स की स्क्रीन है, तो यहाँ पे 500 माइक्रॉन्स थ्रू अगर वो पास होता है तो वो अंडर साइज पार्टिकल बनेगा, और 500 माइक्रॉन से अगर उसका शेप या साइज ज्यादा है तो वो ओवर साइज पार्टिकल बनेगा। तो ऐसे अलग अलग स्क्रीन्स रहते हैं, जैसे कि 2000 माइक्रॉन्स, 1000 माइक्रॉन्स या 500 माइक्रॉन्स, 100 माइक्रॉन्स, अलग अलग साइज के स्क्रीन्स हम यूटिलाइज करते हैं। और नॉर्मली जो सॉलिड सॉलिड मिक्सचर होता है वो टॉप मोस्ट स्क्रीन में हम ऐड करते हैं, फीड करते हैं, और लास्ट जो स्क्रीन होता है सिक्वेंस में वो होता है पैन, यानी कि वो एक्चुअली फिल्टर या स्क्रीनिंग मटेरियल या जो इक्विपमेंट है वो इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा, लास्ट में पैन होगा, यानी कि जो पाउडर टाइप मटेरियल है वो लास्ट में एक्युमुलेट होगा बॉटम साइड में। तो ये अगर हम सीव्स यानी कि स्क्रीन्स अगर सीक्वेंस से लगाते हैं, अगर सॉलिड सॉलिड पार्टिकल्स आप फीड करते हैं टॉप से और उसको अगर वाइब्रेशन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो वाइब्रेशन मैकेनिज्म के बाद में वो अंडर साइज पार्टिकल और ओवर साइज पार्टिकल्स आप उसका वेइंग कर सकते हैं, और वेइंग के बाद उसके वेट फ्रैक्शंस कैलकुलेशंस और जो एनालिसिस मेथड से यानी कि डिफरेंशियल मेथड्स या कम्युलेटिव मेथड्स, ये अलग अलग आप एनालिसिस मेथड यूज कर सकते हैं, और उसके बेसिस पे आप रिजल्ट और कंक्लूजन बता सकते हैं कि ये सॉलिड सॉलिड सेपरेशन का इफेक्टिवनेस कितना है या फिर इसकी इफिशियंसी कितनी है। अगर आपको एक पर्टिकुलर स्क्रीन का इफेक्टिवनेस जानना है, उसकी कितनी इफिशियंसी जानना है, तो वो भी आप कर सकते हैं, उसके लिए भी एक प्रोसीजर होगी। तो ये बेसिक आइडिया था स्क्रीन एनालिसिस का,
तो अभी हम उसका एक्चुअली स्क्रीन्स देखेंगे, उसके अलग अलग माइक्रोन साइज देखेंगे, और फिर उसके बाद में जो वाइब्रेटिंग स्क्रीन है यानी कि जो सिर्फ शेकर है वो आप ऑपरेट करेंगे, और फिर उसके बाद में कैलकुलेशंस पार्ट करेंगे। सिर्फ शेकर यानी कि वाइब्रेटिंग स्क्रीन में जो हम अलग अलग स्क्रीन्स यूज करते हैं तो उसके लिए अलग अलग सेट्स भी होते हैं। जैसे यहां पे आपको दिखाई देता है, ये एक स्क्रीन है जहां पे उसकी स्क्रीन ओपनिंग आपको पता चल रही है कि ये लार्ज साइज ओपनिंग है, ये लार्ज साइज पार्टिकल्स के लिए है। अगर आप दूसरे स्क्रीन कंपेयर करेंगे तो पहले स्क्रीन से कंपैरिजन में इसकी ओपनिंग छोटी है, यानी कि इसका जो ओपनिंग है वो कम है, मेश साइज भी अलग है, और जो माइक्रोन बेस स्क्रीन जिसको कहते हैं वो भी अलग है। अभी इसका ही अगर आप कंपैरिजन देखेंगे तो ये जैसे हम रिवर्स केस में यानी कि ओपनिंग जो है वो कम होते जाएंगे, जैसे यहाँ आपको दिखाई देते हैं स्क्रीन्स में, और ये स्मॉल ओपनिंग्स आपको दिखाई देती है, और ये लास्ट में आपको पैन दिखाई देता है। यानी कि अगर आपको स्क्रीन एनालिसिस करना है और ये सबसे लास्ट अंडरसाइज पार्टिकल जो रहेगा ये स्क्रीन के हिसाब से, तो ये पैन में आएगा। अगर आपको इसका स्क्रीन साइज या मेश नंबर भी देखना है तो उस हिसाब से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ये स्क्रीन हमने जो पहले देखी थी जिसका साइज है 80 mm, सेकंड जो है इसका साइज है 63 mm, जो थर्ड है उसका साइज है 40 mm, फोर्थ है उसका साइज है 31.5 mm, फिफ्थ है उसका साइज 24 mm, नेक्स्ट है 20 mm, नेक्स्ट है 13.2 mm, 10 mm, 4.75 mm, ये लास्ट स्क्रीन होगा, और उसके बॉटम साइड में रहेगा पैन। तो ये जो स्क्रीन साइज है उस हिसाब से ही आपको वाइब्रेटिंग स्क्रीन यानी सिव शेकर जो है उसको रखना पड़ेगा। यानी कि ये जो सबसे पहला स्क्रीन है जिसका साइज 80 mm है ये टॉप में रहेगा, और बाकी के जो स्क्रीन है उसके नीचे आएंगे, उस हिसाब से ये जो स्क्रीनिंग यानी कि वाइब्रेशन होने के बाद, जैसे अगर यहां से ये जो ओपनिंग है इससे अगर लार्ज साइज पार्टिकल रहेगा तो ऑब्वियसली ये ऊपर ही रहेगा। तो ये स्क्रीन ओपनिंग से ओवर साइज यानी कि उससे बड़ा है, इसलिए हम उसको ओवर साइज पार्टिकल कहते हैं। अगर ये स्क्रीन ओपनिंग से वो नीचे जाता है पार्टिकल तो उसको हम अंडर साइज कहेंगे, यानी कि ये जो ओपनिंग है उसके कम साइज वाला पार्टिकल है वो तो नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे अंडर साइज पार्टिकल्स ये स्क्रीन के नीचे जाएंगे और ओवर साइज पार्टिकल ये स्क्रीन के ऊपर रहेंगे। तो अभी हम सिव शेकर भी देख लेते हैं और दूसरा जो सेट है स्क्रीन का वो भी देख लेते हैं। ये है सिव शेकर, तो यहां पे आपको पता चल रहा है कि ये एक दूसरा सेट है स्क्रीन्स का, और यहां पे ये वाइब्रेशन मैकेनिज्म के लिए ये स्प्रिंग मैकेनिज्म, कनेक्शन मैकेनिज्म और इलेक्ट्रिक सप्लाई जो वाइब्रेशन एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और ये जो स्क्रीन से ये वाइब्रेट होंगे, और ये वाइब्रेशन की वजह से ये डिसमेंटल नहीं होना चाहिए या सेपरेट नहीं होना चाहिए, वहां से निकलना नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ पे लॉकिंग मैकेनिज्म भी है, तो इसको हम बाद में लॉक भी करेंगे। अगर ये स्क्रीन आप देखते हैं तो जैसे हमने कहा था सबसे टॉप में ये स्क्रीन सेट में 2 mm साइज स्क्रीन है, उसके बाद में 1.7 mm है, उसके बाद में 1.4 mm है, उसके बाद में 710 माइक्रॉन से, 600 माइक्रॉन से, 355 माइक्रॉन से, 212 माइक्रॉन से, 180 माइक्रॉन से, और लास्ट में पैन है। यानी कि ये स्क्रीन नहीं है, ये प्लेन यहाँ पे पॉट यूज किया है, मेटल यूज किया है, जहां पे स्मॉलेस्ट साइज पार्टिकल्स ये बॉटम साइड में आएंगे और लार्जेस्ट साइज पार्टिकल्स जो है वो टॉप स्क्रीन में आएंगे। तो यहां पर ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए हमने फीड जो है वो 200 ग्राम लिया है, तो ये 200 ग्राम फीड में अलग अलग साइज के पार्टिकल्स है, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई देता है ये सैंड मिक्सचर है, तो ये सैंड मिक्सचर में अलग अलग साइज के पार्टिकल्स है, और जिसकी वजह से अभी जैसे ही इसको वाइब्रेशन प्रोवाइड किए जाएंगे उसके बाद में जो अंडर साइज पार्टिकल्स रहेंगे ये स्क्रीन के हिसाब से वो दूसरे स्क्रीन में जाएंगे, और जो ओवर साइज पार्टिकल्स रहेंगे वो ऊपर ही रहेंगे। उसी हिसाब से
दूसरे स्क्रीन में जो पार्टिकल्स अंडर साइज वालेंगे वो तीसरे स्क्रीन में जाएंगे और ओवर साइज पार्टिकल्स सेकंड स्क्रीन में रह जाएंगे। इसी हिसाब से ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स जो है एट्थ तक और लास्ट में पैन तक ये प्रोसेस चलती रहेगी। तो अगर 10 मिनट में अगर हमने वाइब्रेशन प्रोवाइड कर लिया तो 10 मिनट में भी ये 10 टू 20 मिनट्स नॉर्मली हम ऑपरेट करते हैं, तो उसी हिसाब से वाइब्रेशन प्रोवाइड करने के बाद ये जो सैंड पार्टिकल्स है ये हर एक स्क्रीन में जमा होंगे और उसके बाद में हम उसका वेट करेंगे। तो सबसे पहले अभी हम ये फीड डालने के बाद इसको लॉक करते हैं और उसके बाद में वाइब्रेटिंग स्क्रीन जो है वो स्टार्ट करते हैं। ये फीड हमने ऐड करने के बाद इसको लीड यानी कि क्लोज कर लिया और उसके बाद में ये नट बोल्ट मैकेनिज्म से हमने इसको लॉक कर लिया। तो अभी ये वाइब्रेटिंग स्क्रीन हम स्टार्ट करेंगे। तो कुछ देर वाइब्रेशन के बाद हमने ये अनलॉक किया है और यहाँ पे जो आपको लार्ज साइज पार्टिकल्स की जो स्क्रीन है ये आपको दिखाई देती है। जैसे यहाँ पे ये जो ओवर साइज पार्टिकल्स है 2 mm साइज के स्क्रीन पे ये आपको दिखाई देते हैं। ये दूसरी स्क्रीन है, इसमें कुछ ओवर साइज पार्टिकल्स आपको दिखाई देते हैं। ये तीसरी स्क्रीन है, इसमें ज्यादा ओवरसाइज पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं। ये चौथी स्क्रीन है, यहां पर भी बहुत सारे ओवरसाइज पार्टिकल्स हैं। ये पांचवी स्क्रीन है, यहां पर भी ओवरसाइज पार्टिकल्स हैं। ये छठा स्क्रीन है, यहां पर भी बहुत सारे ओवरसाइज पार्टिकल्स हैं। ये सातवां स्क्रीन है, और ये आठवें स्क्रीन पे आपको कुछ कम पार्टिकल्स ओवरसाइज के दिखाई देते हैं, और ये लास्ट जो हम पैन कहते हैं तो पैन में भी कुछ ओवरसाइज पार्टिकल्स जो है अभी ये अंडर साइज पार्टिकल ही रहेंगे, क्योंकि ये स्क्रीन नहीं है इसलिए सबसे बॉटम में स्मॉलेस्ट साइज पार्टिकल जो रहेंगे ये यहां पे आपको दिखाई देते हैं। अभी वाइब्रेशन प्रोवाइड करने के बाद, स्क्रीनिंग कंप्लीट होने के बाद, ये जो अलग अलग स्क्रीन में जो पार्टिकल्स आए जिसको हम ओवरसाइज पार्टिकल्स कहते हैं, तो इसका अभी इंडिविजुअली आपको वेट लेना पड़ेगा और जो वेट आएगा ग्राम्स में उसके बेसिस पे आपको वेट फ्रैक्शन निकालना है और वेट फ्रैक्शन के बेसिस पे आपको एनालिसिस करना है। तो जैसे हमको मालूम है वेट फ्रैक्शन यानी इंडिविजुअल वेट डिवाइडेड बाय टोटल वेट, तो फीड का वेट हमने 100 ग्राम लिया था, उसके बेसिस पे हम हर एक स्क्रीन का जो ओवरसाइज पार्टिकल के बेसिस पे आप वेट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, वो कैलकुलेशन मैं आपको बाद में समझाऊंगा। और इसके अलावा जो अभी ये एनालिसिस होगा तो ये एनालिसिस होगा फीड के बेसिस पे, यानी कि जो हमने फीड 100 ग्राम लिया था अलग अलग साइज पार्टिकल का जो मिक्सचर था उसके बेसिस पे एनालिसिस होगा। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है स्क्रीन इफेक्टिवनेस। तो स्क्रीन इफेक्टिवनेस क्या होता है? तो स्क्रीन इफेक्टिवनेस ये होता है कि जो भी आप कोई सैंपल लेते हैं स्क्रीन का, जैसे अभी ये फर्स्ट स्क्रीन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और फोर्थ है, अगर आपने डिसाइड कर लिया कि ये जो फोर्थ स्क्रीन है जो है 710 माइक्रोन साइज वाला, तो इसका अगर आपको इफेक्टिवनेस निकालना है यानी कि ये जो स्क्रीन है कितना इफेक्टिव है सॉलिड सॉलिड सेपरेशन के लिए, अगर ये आपको निकालना है तो उसके लिए प्रोसेस क्या होगी? तो ये जो इसके ऊपर यानी कि ये जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन फोर्थ, ये थर्ड, ये सेकंड और फर्स्ट, इसको हम मिक्स करेंगे और इसके बाद में ये जो फोर्थ के बाद जो आता है फिफ्थ स्क्रीन, सिक्स स्क्रीन, सेवन स्क्रीन और एट स्क्रीन, ये अंडर साइज यानी कि ये फोर्थ स्क्रीन से नीचे जो अलग स्क्रीन से उसके जो पार्टिकल्स है उसको अलग से मिक्स किया जाएगा। फिर उसके बाद में प्रोसेस क्या होगी कि ये जो पहले चार
जो स्क्रीन से उसके अगर पार्टिकल्स आप मिक्स करते हैं तो उसको आपको टॉप पे लेना है, यानी कि टॉप स्क्रीन जो है, ये जो टॉप स्क्रीन है उसमें आपको ये मिक्स करना है, और उसके बाद में नीचे वाले जो स्क्रीन है फोर्थ के नीचे उसको ब्लैंक रखना है, और फिर एक बार वाइब्रेशंस प्रोवाइड करना है, फिर एक बार स्क्रीनिंग करना है, और फिर आपको स्क्रीन एनालिसिस करना है, यानी कि वापस से उसका इंडिविजुअल वेट आपको लेना पड़ेगा, वेट फ्रैक्शन लेना पड़ेगा और एनालिसिस लेना पड़ेगा। उसी तरह से आपको जो फिफ्थ स्क्रीन यानी कि अंडर साइज स्क्रीन जो है, यानी कि फिफ्थ सिक्स सेवन्थ और एट, उसके हिसाब से भी उसका मिक्सचर अलग लेना पड़ेगा, और उसको भी वाइब्रेशन प्रोवाइड करके उसका सेपरेशन करना पड़ेगा। तो अभी हम उसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो अभी हम स्क्रीन इफेक्टिवनेस फोर्थ स्क्रीन का निकालने वाले हैं। तो उसके लिए जैसे हमने कहा था कि ये जो अभी पैन है, ये पैन को हम सेपरेट रखेंगे। पैन के ऊपर ये जो स्क्रीन था 180 माइक्रॉन्स वाला, उसके ओवरसाइज पार्टिकल आप सेपरेट करेंगे। उसके बाद ये जो 212 माइक्रॉन साइज का ओवरसाइज पार्टिकल्स, उसके बाद में 355 माइक्रॉन साइज का स्क्रीन, उसके ओवरसाइज पार्टिकल्स ये मिक्स करेंगे। और ये जो फिफ्थ स्क्रीन है 600 माइक्रॉन साइज का, इसके ओवरसाइज पार्टिकल भी यहां पे मिक्स करेंगे। तो ये फिफ्थ सिक्स सेवन्थ और एट्थ माइक्रॉन साइज वाले जो अलग स्क्रीन है और पैन, अभी यहां पे बाकी रह गई है 1 2 3 4। तो आपको फोर्थ स्क्रीन का इफेक्टिवनेस निकालना है। तो ये फोर्थ स्क्रीन का जो ओवरसाइज पार्टिकल है उसको मिक्स करना है। उसके बाद में आपको थर्ड स्क्रीन का भी ओवरसाइज पार्टिकल मिक्स करना है, सेकंड का भी करना है, और फर्स्ट का यहां पे ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो यहां पे हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ के जो स्क्रीन है उसके ओवरसाइज पार्टिकल हमने मिक्स किए हैं। तो यहां पे जो सीक्वेंस था, जैसे हमने पहले भी लगाया था, ये 4 3 2 1, और ये जो स्क्रीन से टोटल, तो ये स्क्रीन आपको यहां पे सीक्वेंस में लगाना है। तो ये अभी टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 ये स्क्रीन हमने एक सीक्वेंस में लगाए हैं। अभी वन फर्स्ट स्क्रीन जो है उसमें ही फीड है, बाकी के पूरे ब्लैंक है। अभी इसको हमको वाइब्रेशन प्रोवाइड करना पड़ेंगे, स्क्रीन के बेसिस पे उसका सॉलिड सॉलिड सेपरेशन होगा, और उसके बाद में फिर हम जो इंडिविजुअल स्क्रीन पे ओवरसाइज पार्टिकल्स रहेंगे उसका वापस से वेट लेंगे। तो पहले जो वेट लिया था हमने वो फीड एनालिसिस के लिए इंडिविजुअल वेट लिया था, फिर उसका वेट फ्रैक्शन, उसके कैलकुलेशंस और उसका रिजल्ट अलग से होगा। अभी ये नेक्स्ट पार्ट में अभी हम इफेक्टिवनेस निकाल रहे हैं। तो इफेक्टिवनेस के लिए हमने 4 3 2 और 1 ये चार स्क्रीन को हमने मिक्स करके यहाँ पे टॉप स्क्रीन पे अभी एज अ फीड यहाँ पे फिक्स किया है। तो इसको अभी हम वाइब्रेटिंग स्क्रीन यानी कि स्क्रीन एनालिसिस का जो इक्विपमेंट है उस पर लगाएंगे और उसको वाइब्रेशन प्रोवाइड करेंगे। स्क्रीन इफेक्टिवनेस जो फोर्थ स्क्रीन था, वो फोर्थ स्क्रीन का स्क्रीन इफेक्टिवनेस निकालने के लिए हमने अभी फोर्थ थर्ड सेकंड और फर्स्ट जो स्क्रीन है, ये जो हमने बताया 2 mm 1.7 mm 1.4 mm और 710 माइक्रोन साइज का जो ओवरसाइज मटेरियल था, ये चारों का ओवरसाइज मटेरियल हमने टॉप में फीड किया है अभी, और यहां पे जो रिमेनिंग स्क्रीन है वो पूरे ब्लैंक है, क्योंकि अभी जैसे हम वाइब्रेटिंग स्क्रीन में प्रोवाइड करते हैं तो जो फीड रहता है वो फीड टॉप में रहता है। तो अभी ये जो फीड है हमारा, ये फोर्थ थर्ड सेकंड और फर्स्ट स्क्रीन के जो ओवरसाइज पार्टिकल्स है वो एज अ फीड है। तो इफेक्टिवनेस निकालने के लिए जिस स्क्रीन का इफेक्टिवनेस आपको निकालना है उसका और उसके ऊपर के जो स्क्रीन है ये हम अभी मिक्स कर रहे हैं, और ये जो अभी वाइब्रेटिंग होगा और इसका जो इंडिविजुअल वेट निकलेगा, फ्रैक्शन निकलेगा और उसके बेसिस पे एनालिसिस होगा,
इसको हम कहेंगे इफेक्टिवनेस ऑफ फोर्थ स्क्रीन ऑन द बेसिस ऑफ ओवरसाइज पार्टिकल्स। तो ये ओवरसाइज पार्टिकल्स है, इसके बेसिस पे अभी हम स्क्रीन एनालिसिस करने जा रहे हैं। अभी 10 से 20 मिनट वाइब्रेशन के बाद ये जो हमने फोर्थ, थर्ड, सेकंड और फर्स्ट जो ओवरसाइज पार्टिकल मिक्स किए थे एज अ फीड, अभी ये वाइब्रेशंस के बाद ये फर्स्ट स्क्रीन के ओवरसाइज पार्टिकल्स है, ये सेकंड स्क्रीन के ओवरसाइज पार्टिकल्स है, ये थर्ड स्क्रीन के, ये फोर्थ स्क्रीन के, ये फिफ्थ स्क्रीन, सिक्स्थ स्क्रीन, एट्थ स्क्रीन और ये पैन। फोर्थ स्क्रीन का इफेक्टिवनेस निकालने के लिए अभी वाइब्रेशन के बाद ये जो हर एक स्क्रीन पे ओवरसाइज पार्टिकल्स आए उसका अभी हम इंडिविजुअल वेट लेंगे और उसके बाद में उसका वेट फ्रैक्शन और फिर उसका जो एनालिसिस है डिफरेंशियल एनालिसिस और कम्युलिटी एनालिसिस और उसके बाद में आपको ग्राफ प्लॉट करना है। तो ये सभी बातें जो ऑब्जर्वेशंस, कैलकुलेशंस और ग्राफ है वो अभी मैं बाद में समझाता हूँ। अभी जो नेक्स्ट पार्ट है प्रैक्टिकल का वो है स्क्रीन इफेक्टिवनेस। फोर्थ स्क्रीन का ही आपको निकालना है लेकिन अंडर साइज पार्टिकल्स में। तो इसके पहले हमने ये जो फिफ्थ स्क्रीन, सिक्स्थ, सेवन्थ और एट्थ स्क्रीन, तो इसमें जो पार्टिकल्स थे ये पार्टिकल्स हमने यहाँ पे मिक्स किए हैं और ये एज अ फीड यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। तो जैसे ये जो आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्क्रीन भी देखते हैं तो यहाँ पे अभी पूरा वैकेंट रहेगा, यहाँ पे कोई पार्टिकल्स नहीं रहेगा। और ये जो हमने फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ और एट्थ स्क्रीन के जो पार्टिकल्स हैं ये एज अ फीड यहाँ पे आपको प्रोवाइड करना है टॉप स्क्रीन पे। तो ये अभी हम टॉप स्क्रीन पे प्रोवाइड करेंगे और जैसे पहले ही सिक्वेंस था उसी सिक्वेंस से आपको ये स्क्रीन लगाने हैं साइज के हिसाब से। जैसे हमने देखा था 2 mm साइज टॉप मोस्ट स्क्रीन है और लास्ट में पैन है, तो उसी हिसाब से ये अरेंजमेंट करेंगे और फिर से आपको इलेक्ट्रिक सप्लाई देके वाइब्रेशन एनर्जी प्रोवाइड करना है और वाइब्रेशन के हिसाब से आपको स्क्रीनिंग करना है और स्क्रीनिंग के बेसिस पे फिर से आपको एनालिसिस करना है अलग अलग स्क्रीन के साइज के हिसाब से ओवर साइज और अंडर साइज पार्टिकल सेपरेट होंगे। तो ये नेक्स्ट पार्ट में भी हमने फिर से ये स्क्रीन के साइज के हिसाब से ये स्क्रीन्स लगाए, जैसे यहाँ पे दिखाई देता है टॉप में 2 mm, उसके बाद में 1.7, 1.4, 710 माइक्रॉन्स, 600, 355, 212, 180 और पैन। तो यहाँ पे अभी आपको जो हमने फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ और एट स्क्रीन से जो पार्टिकल्स निकाले हैं उसको यहाँ पे एज अ मिक्सचर, यहाँ पे एज अ फीड आपको प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे अभी हम ये फीड प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जैसे आपको पता चला कि वाइब्रेशन के पहले ही ऑलरेडी ये अंडरसाइज पार्टिकल निकल चुके हैं। इसका रीजन क्या है? क्योंकि ये ऑलरेडी फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ और एट्थ वाले जो पार्टिकल से ये पार्टिकल है, यानी कि ये स्क्रीन 1, 2, 3, 4 से नेचुरली ग्रेविटी से ही फ्लो होने वाले हैं और अभी आपको मेन स्क्रीन एनालिसिस करना है 5, 6, 7, 8 के बेसिस पे। तो इसीलिए वापस से अभी हम इसको लॉक करेंगे, वाइब्रेशंस प्रोवाइड करेंगे और फिर इंडिविजुअल वेट लेंगे। तो कुछ मिनट्स के वाइब्रेशन के बाद में अभी ये स्क्रीन इफेक्टिवनेस फोर्थ स्क्रीन का, जो हमने फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ और एट्थ साइज के जो स्क्रीन्स थे उसका लिया था एज अ फीड, तो उसका अभी हम रिजल्ट चेक करेंगे। तो ये लीड हमने ओपन कर लिया, तो ये फर्स्ट स्क्रीन है,
तो यहां पे एक या दो ही पार्टिकल्स दिखते हैं, ये सेकंड स्क्रीन है, यहां पर भी एक या दो ही पार्टिकल दिख रहे हैं, थर्ड स्क्रीन में भी कुछ पार्टिकल्स आपको दिखाई देते हैं, और ये फोर्थ स्क्रीन से ही मैक्सिमम पार्टिकल्स यहां पे आपको दिखाई देंगे, क्योंकि हमने फिफ्थ सिक्स सेवन्थ और एट के जो पार्टिकल साइज है उस हिसाब से ये लिया था। तो देखिए अभी ये फिफ्थ स्क्रीन है इसलिए यहां पे ज्यादा पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, सिक्स में भी ज्यादा पार्टिकल्स दिखाई देंगे, सेवन्थ में भी आपको कुछ पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, एट में भी कुछ पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, और यहां पे पैन में भी कुछ पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। इसका रीजन ही ये है क्योंकि हमने अभी ये थर्ड पार्ट में जो फिफ्थ सिक्स सेवन्थ और एट के जो पार्टिकल्स थे उसका मिक्स किया था, और वो जो मिक्सर था वो एज अ फीड लिया था। निग्लिजिबल अमाउंट में पार्टिकल्स होने चाहिए जो आपको दिखाई देते हैं, जैसे यहां पे दिखता है आपको ये लीड, ये फर्स्ट स्क्रीन, सेकंड स्क्रीन, थर्ड स्क्रीन, और फोर्थ स्क्रीन से आपको पार्टिकल्स दिखाई देंगे, क्योंकि हमने ये फाइव टू एट स्क्रीन के पार्टिकल्स हमने लिए थे। तो ये फाइव सिक्स सेवन और एट ये स्क्रीन्स है और लास्ट में पैन है। तो प्रोसीजर में आपको अभी इतना ही है, और उसके बाद में आपको इंडिविजुअल वेट करना है हर एक स्क्रीन का, और उसके बेसिस पे वेट फ्रैक्शन, और उसके बेसिस पे डिफरेंशियल कम्युनिटी एनालिसिस, और ग्राफ आपको प्लॉट करना है।